इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए सेकेंड टी20 मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार की धारदार गेंदबाजी ने साउथ अफ्रीका टीम को लगभग हार की कगार पर खड़ा कर दिया था, लेकिन बाकी गेंदबाजों का सहयोग नहीं मिला, जिसकी वजह से टीम इंडिया 4 विकेट और 10 गेंद पहले इस मुकाबले को गंवाती नजर आई। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार इंटरनेशनल क्रिकेट में कई बार कमाल का प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने अपने नाम कई उपलब्धियां भी हासिल की हैं। भुवी ने हाल ही में एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे टी20 मैच में उन्होंने रीजा हेंड्रिक्स को आउट कर एक खास उपलब्ध अपने नाम करी। भुवी ने हेंड्रिक्स को पहले ही ओवर में आउट कर दिया, जहां भारत ने पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका को 149 रनों का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में अफ्रीकी टीम के लिए टेम्बा बबुआमा और रीजा हेंड्रिक्स ओपनिंग करने आए, जबकि भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार पहला ओवर कर रहे थे। भुवी ने अपने पहले ही ओवर में आखिरी गेंद पर हेंड्रिक्स को आउट कर दिया। भुवी का इंटरनेशनल टी20 मैचों के पहले ओवर में 11वां विकेट था। उन्होंने इसकी मदद से खास उपलब्धि अपने नाम बरकरार रखी। भुवनेश्वर कुमार भारत की ओर से टी20 इंटरनेशनल मैचों में पहले ओवर में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले मामले में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने अब तक 11 विकेट लिए हैं। इस मामले में अश्विन दूसरे स्थान पर हैं। अश्विन ने पहले ओवर में 4 विकेट अपने नाम किए हैं, जबकि आशीष नेहरा तीसरे नंबर पर हैं। नेहरा ने टी20 इंटरनेशनल मैचों में पहले ओवर में 3 विकेट लिए हैं। लेकिन बात करें ओवरऑल प्रदर्शन की इस मुकाबले में, तो टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करी थी, जहां पर 21 गेंदों में 34 रन निशान किशन ने 2 चौके 3 छक्के की मदद से, श्रेयस अय्यर ने 35 गेंदों में 40 रन, तो दिनेश कार्तिक ने 21 गेंदों में 30 रन बनाए थे। रबाडा नौरखिया सबने अच्छी गेंदबाजी करी थी। नौरखिया ने 2 विकेट हासिल करी, तो रबाडा और इनके साथी गेंदबाजों ने 1-1 विकेट हासिल करी थी शमसी को छोड़ते हुए। साउथ अफ्रीका चेस करने उतरी 149 रन, तो तेम्बा बबुआमा ने कप्तानी पारी खेली, 30 गेंदों में 35 रन की, तो हेनरी क्लासन ने अकेले दम से पूरा मुकाबला पलट दिया। 46 गेंदों में 81 रन हेनरी क्लासन ने 7 चौके 4 छक्के की 5 छक्के की मदद से मारे। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो इनकी पारी ही रही। वहीं डेविड मिलर ने नाबाद 15 गेंदों में 20 रन बनाकर मुकाबले का अंत किया। तो दूसरी तरफ गेंदबाजों की बात करें तो 4 ओवर में 13 रन देकर 4 विकेट चटकाए भुवनेश्वर कुमार ने, जिसमें टेलेंडर बल्लेबाज नहीं बल्कि ओपनिंग के बल्लेबाज थे। रीजा हेंड्रिक, ड्वेन प्रेटीरियस, राशि वंदर दुसैन, इन सब बल्लेबाजों ने पिछले मैचों में कमाल दिखाया था, लेकिन इस मुकाबले में इन्होंने वियान पर्नेल का विकेट भी चटकाते हुए टीम के लिए बड़ी उपलब्धि अपने नाम हासिल करी। 4 ओवर में 13 रन देकर 4 विकेट। तो युजवेंद्र चहल ने भी 1 विकेट जोड़ चटकाया, लेकिन 4 ओवर में 49 रन दे दिए थे, और 1 विकेट हर्षल पटेल ने 3 ओवर में 17 रन देते हुए चटकाया। अक्षर पटेल ने 1 ओवर में 19 रन दिया, तो दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में 31 रन लुटा दिए, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका की टीम के लिए कहीं ना कहीं जीत आसान हो गई थी। लेकिन भुवनेश्वर कुमार की दमदार गेंदबाजी थी, जिसके दम पर मुकाबला पलटता नजर आया, लेकिन कुल मिलाकर भुवी की इतनी शानदार गेंदबाजी के बावजूद भी टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। तो 4 विकेट से साउथ अफ्रीका की टीम मुकाबला जीत गई। बचे तीनों मैचों पर सबकी निगाहें रहेंगी कि अगर टीम इंडिया को सीरीज जीतनी है तो वो तीनों मैच जीतने होंगे। अगर टीम इंडिया को मतलब सीरीज गंवानी है तो 1 मैच और हारना है, उसके बाद सीरीज गंवाते नजर आएंगे। लेकिन क्या अगले मुकाबले में भुवनेश्वर के साथ उमरान नजर आएंगे, इस बात को लेकर काफ़ी सवाल खड़े हैं। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।